हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन सूर्य वर्ल्ड स्कूल प्लॉट। आइए स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 से का सब्जेक्ट एसएसटी का लेसन नंबर 8 जो कि है जल संसाधन उसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, तो बच्चों पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, परंतु अधिकांश जल महासागरों में खारे पानी के रूप में मौजूद है। केवल 1% ही मीठा जल मानव उपयोग के योग्य है। देखिए बच्चों, जो जल हमारे पास उपलब्ध है, जो मानव उपयोगी जो जल हमारे पास उपलब्ध है, उस जल में से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जल की का पर्याप्त अभाव पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अभाव पाया जाता है, और उन्हीं में हमारा राजस्थान भी आता है। आप जानते हो बच्चों कि राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा अनियमितता और अनिश्चितता होने के कारण यहाँ पर प्राय अकाल की स्थिति रहती है। प्राचीन समय में इस जल अभाव को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान नहर के नाम से। बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। तो देखो बच्चों, इसका उद्देश्य था कि थार मरुस्थल में, उद्देश्य देखो पहले इसका उद्देश्य देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या उद्देश्य था। थार के मरुस्थल में, थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं इसको, थार मरुस्थल में सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवाना, पेयजल उपलब्ध करवाना, ये तो था इसका बच्चों उद्देश्य करवाना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर आबादी बसाना दूसरा उद्देश्य था इसका। अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो जल अभाव के कारण बहुत कम लोग रहते थे, तो वहां पर आबादी को बसाना इसका उद्देश्य था। तो दूसरा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय, ये तो पहला उद्देश्य हो गया इसका। दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना, ये दो प्रमुख उद्देश्य थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर की शुरुआत के। अब बच्चों आइए जानते हैं कि इस परियोजना या इस नहर, इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत है वो कहां से होती है, इसका उद्गम क्या है। दूसरा इसका जो पॉइंट है, उद्गम, उद्गम कहां है इसका। तो देखो बच्चों, पंजाब में, कहां पर, पंजाब में। कौन सी दो नदियां, सतलज प्लस रावी के संगम पर, के संगम पर हरिके बैराज, देखो बैराज बच्चों बांध को ही कहते हैं, पर नहर निकालने के उद्देश्य से जब किसी बांध का निर्माण किया जाता है तो उसे बैराज कहा जाता है। सिंचाई हेतु नहर के लिए जब कोई बांध बनाते हैं तो उसे बैराज कहा जाता है। तो सतलज और रावी के संगम पर हरिके नामक स्थान के ऊपर हरिके बैराज बनाया गया है पंजाब में, वहां से यह नहर निकाली गई है बच्चों। तो देखो, यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, मानव निर्मित एशिया की। ये अब इसकी एक और विशेषता हो गई, एशिया महाद्वीप
एशिया की सबसे बड़ी। मानव निर्मित नहर। देखो बच्चों, इस नहर की कुल लंबाई का जिक्र करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है लंबाई। कुल लंबाई है इसकी बच्चों 649 किलोमीटर। एशिया में इतनी लंबी और कोई दूसरी नहर नहीं है। 169 इसमें से देखो तीन राज्य कौन से, पंजाब से तो देखो ये नहर निकलती है, फिर आगे हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा से आगे फिर राजस्थान में, तो तीन राज्य हो गए। अब कौन से राज्य में ये कितनी बहती है, तो देखो बच्चों 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में, 14 राजस्थान, बाकी की जो बच गई वो राजस्थान में हो। इसके लाभ देखो बच्चों कि 9 जिलों को, कितने जिलों को लाभ मिल रहा है इससे, 9 जिलों को लाभ मिल रहा है इसका, और उन 9 जिलों में 29 कस्बे हैं और 3461 गांव हैं। देखो लाभ इसका, अगर चौथा जिक्र करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ का, तो देखो बच्चों 9 जिलों को इसका लाभ मिल रहा है पेयजल के रूप में, प्लस सिंचाई और सिंचाई के रूप में। इसमें से देखो 29 तो कस्बे हैं, 9 जिलों के 29 कस्बे, कस्बे कहते हैं बच्चों गांव का बड़ा रूप होता है, शहर का छोटा रूप, उन्हें कस्बा कहा जाता है। तो देखो 3461 गांव, 3461 गांव पेयजल मिल रहा है। यह 2 चरणों में पूरी हुई है, अगर इसको चरणों का जिक्र करें तो यह 2 चरणों में पूरी हुई है। पहले चरण में राजस्थान फीडर और दूसरे में मुख्य नहर का निर्माण हुआ। तो देखो बच्चों 5वां इसका पॉइंट है चरण। राजस्थान फीडर नहर का निर्माण किया गया और दूसरा मुख्य नहर का। देखो फीडर नहर कहते हैं बच्चों जिस नहर का वह भाग जिसका जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, न पेयजल के लिए न सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, उस नहर के उस भाग को फीडर नहर कहा जाता है। तो राजस्थान में अपना जो हनुमानगढ़ में का मसीता वाली हेड, देखो हरी के बैराज से लेके वो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद कुछ दूरी के बाद मसीता वाली हेड पड़ता है, वहां तक का जो हिस्सा है नहर का वह बच्चों राजस्थान फीडर नहर के नाम से है, और उसका जल का उपयोग न पंजाब कर सकता, न हरियाणा और न ही राजस्थान। फिर देखो मसीता वाली हेड मुख्य नहर कहां से है, मसीता वाली हेड से आगे राजस्थान में मोहनगढ़ तक इसको बढ़ाने का प्लान है, तो वहां तक का मुख्य नहर का हिस्सा है, तो वो मुख्य नहर है जिसका जल उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए लिया जा सकता है। अब देखो इससे और कौन कौन सी जो मुख्य नहर से है उससे और कौन कौन सी नहर निकाली गई है, तो देखो बच्चों यहां पर मैं एक अलग से छोटा सा पॉइंट डाल देता हूं नहर का। देखो जो पाकिस्तान की तरफ पश्चिमी
पश्चिमी भाग में 9 शाखाएं इसकी, मतलब 9 नहरें निकाली गई, और पूर्वी क्षेत्र है वो ऊंचा है, और ऊंचा होने के कारण यहां पर कम नहरें निकाली गई हैं, केवल 7 नहरें निकाली गई हैं। और ये सातू नहरी क्या है? लिप्त नहरें हैं। क्या है? लिप्त नहरें। पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ जो ढाल है वाला क्षेत्र है, वहां पर 9 नहरें निकाली गई हैं छोटी छोटी सिंचाई के उद्देश्य से, पेयजल के लिए। और पूर्वी जो अपनी तरफ वाला, मतलब झुंझुनू जिले की तरफ वाला जो भाग है, उसमें 7 लिप्त नहरें निकाली गई है। बच्चों, लिप्त नहर उसे कहते हैं जिसमें पानी ऊंचाई होने के कारण पानी है वो बहकर नहीं चढ़ता, बल्कि बड़े बड़े जो मोटर होती है उनके जरिए पानी को उठा के ऊंची नहर में डाला जाता है। जैसे यहां तक ये नहर है, फिर यहां पर इसको ऐसे बनाया जाता है, ऊंचा क्षेत्र आ गया ना, तो उसको काट के ऐसे बनाया जाता है, फिर ढाल आ गया, फिर दोबारा ऊंचाई आने पर ऐसे, तो यहां से पानी उठा के हटा दिया, यहां से बह के यहां तक आ गया, लेकिन अब इससे ज्यादा खुदाई नहीं हो सकती, तो यहां से फिर इसको उठा के यहां डाला जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? लिफ्ट नहर कहा जाता है। आशा करता हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित ये जो चीजें हैं, इनका उद्देश्य थार मरुस्थल में जल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना, उद्गम इसका पंजाब में सतलज और रावी नदी के संगम के ऊपर हरि के बैराज से इसका संगम होता है, इस एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है कुल लंबाई, इसमें से 169 किलोमीटर ये पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में और बाकी राजस्थान में है। इससे लाभ देखो 9 जिलों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिल रही है, इन 9 जिलों के 29 कस्बे हैं और 3,461 गाँव को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। ये 2 चरणों में पूरी हुई है। पहले चरण में राजस्थान फिल्टर नहर का निर्माण किया गया जो हरि के बैराज से मसीतावाली हेड तक है, और मुख्य नहर है वो मसीतावाली हेड से वर्तमान में मोहनगढ़ तक। आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।